स्वागत है मेरे ब्लॉग में। क्या है भाई, क्या हो गया? तो मारने दो ना। तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और देखो आज भी मुझे सुबह सुबह फिर से परेशान करने लगा। और आज है सैटरडे, तो मैं आज विदाउट यूनिफॉर्म कॉलेज जाऊँ, क्योंकि सैटरडे को हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनूँ या ना पहनूँ चलता है। इसलिए मैंने सोचा एक दिन मिलता है तो घर के कपड़े पहन के जाऊँ। यूनिफॉर्म में वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो कॉफ़ी टाइम और समय हो रहा है, बज रहे 10:05। मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, हुआ आज लेट हो गया मुझे क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है। मम्मी तो मना ही कर रही थी, देखो मम्मी मना कर रही थी कि आज भी तो कॉलेज मत जा। मैंने बोला सीधे नाम कटवा दो मेरा, सब ठीक है। क्या हो गया आज भी इस कम में कॉफ़ी पीने की जिद कर रहे हैं? तब से मम्मी बहुत मीठी बनी है, तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मीठी बन गई। कॉफ़ी पिएगी ये देखो, पिला दो भी कॉफ़ी पिला दो। ये देखो गोमाता ने कॉफी पी ली। अदबी को अभी से कॉफी बहुत पसंद है और पर मुझे कॉफी देती नहीं है। वाली बोलो बोलो, कॉफी पी रहे हम लोग। आप कॉफी पी लो, आप भी पी लो, आके आगे कॉफी पी लो प्लीज। अपनी स्कूटी कर दी खड़ी कलरफुल रिक्शा के साथ, रिक्शा की स्कूटी पर। और मुझे अपने फ्रेंड के घर, क्योंकि इसका काफी हैवी क्या बोलते काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था उसको, तो जा रहे हैं उसी के घर। अपने ब्लॉक वाली गली में देखिए, मतलब यहाँ पे देखिए साजिया, ये साजिया का घर है। आंटी नमस्ते। साजिया इसी को चोट लगी थी, देखिए साजिया इधर देखो, हाय करो। हाय। अब साजिया ठीक है, बिल्कुल अभी हॉस्पिटल से आई साजिया। हाय। और इसके पैर में काफ़ी चोट लगी। और ये है साजिया की फ्रेंड प्रिंसी। हेलो। और ये दीक्षा देखो यहाँ बैठी है, दीक्षा के रोंगटे खड़े हो गए थे साजिया को कार से उतरते हुए देखते हुए, तो इसे काफ़ी बुरा लग रहा था। बुरा मुझे भी लग रहा था, पर अभी देख के सही लग रहा है। ये देखो इसे चैनल सब्सक्राइब की पड़ी है, क्योंकि इसकी आईफोन इसने लिया है तो उसमें इसकी आईडी बनी हुई नहीं है, इस चक्कर में चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ। लिटाया जाता है बिस्तर पे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तो जितनी एक्सरसाइज होगी उतना अच्छा होगा। ये देखिए ये पहले भी कमजोर थी पर अब और हो गई। ये साजिया की फ्रेंड है, पूरा ख्याल रखती है साजिया का बहुत अच्छे से। ऐसे फ्रेंड हर किसी को दे भगवान, क्योंकि जो ऐसे टाइम पे काम आए और साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। तो पूरी उसकी केयर करती है हर एक चीज़ से, जैसे उसकी फैमिली मेंबर की तरह। और साजिया कैसा फील हो रहा है? अब हम साजिया को कंबल उड़ाएंगे। कंबल उड़ाएंगे साजिया, साजिया को कंबल उड़ा रही है आप। वेटर लग चुका है, इसकी आईडी लॉगिन नहीं थी और कर देना उसके। ये साजिया बहुत ब्रेव है, ये देखो इतनी चोट लगने के बाद कोई और बंदा या कोई भी इंसान होता तो यही करता, अपनी सेवा करवाता फालतू की। पर ये और ये देखो दीक्षा लगी हुई है मेरी वीडियो लाइक करने में। और ये प्रिंसी फुल तरीके से साजिया के साथ है। कैसा लग रहा है ऐसी दोस्त को पाकर? अल्लाह सबको ऐसे दोस्त देता है, तुम जैसे हीरे हो तुम सब। अच्छा, साजिया अपने बर्थडे तक चलने लग जाएगी। बस साजिया का बर्थडे भी है 14 फेब को, साजिया का बर्थडे है बस। मेरे लिए दुआ करना मैं। हाँ सब लोग दुआ करना इसके लिए, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ इसके लिए जल्दी से दुआ करें। ये 14 फरवरी तक चल पाए सही से और पूरी तरह से सही हो जाए। और भैया जो जुनैद भैया हैं वो भी जल्दी से ठीक हो जाए फटाफट से। अब हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए साजिया थोड़ी बहुत ठीक है, ज़्यादा नहीं, वो बस सबके सामने रह रही है। और चलते हम, चले दीक्षा, चलो हम चले चले दीक्षा। ओके बाय बाय, चलो फिर साजिया अपना ध्यान रखना, हम लोग जा रहे हैं। बाय, स्लो किया करो सब लोग। नहीं मैं तो कल से स्कूटी छोड़ दूँ, भगवान जल्दी ठीक कर दे। और अभी हम उसके घर से निकले हैं, सो अब दीक्षा को दवाई लेने जाना है। तो दीक्षा का अपॉइंटमेंट है, दीक्षा की 2 बजे, हम लेट हो गए थोड़ा, पर कोई नहीं चलता है, अब हम वहीं जा रहे हैं। उसके बाद देखते क्या करना है। दीक्षा
देखो ये दीक्षा, ये देखो आए हम लोग बैठे इस टेबल पे बैठे हमारा वो वाला टेबल होता है हमेशा हर बारी। अरे क्या लगी हुई है यार तू। ये दीक्षा अब इन्हें फ़ोन रखा है इतनी देर में और अब हमने लोग आए लंच करने की भूख लगी, कॉलेज से आके खाना हो गया था और सुबह ही मैंने कॉफ़ी के अलावा कुछ पिया नहीं। लोग बैठे हुए क्या मंगाया? क्या ये तो पिज़्ज़ा मंगाया और देख लेंगे और क्या मंगाना है। अभी मेरा पिज़्ज़ा है, फिर पिज़्ज़ा तो खाना ही खाना है, बाकी बाद में देखेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। सबसे पहले पिज़्ज़ा मंगाते फिर देखेंगे। क्या मूड ख़राब हो रहा है क्या? नहीं मूड ख़राब हो रहा है एक्चुअली, मुझे भूख बड़ी तेज़ लग रही है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, नहीं खाया, ऑर्डर दे रहा है। पहले तो ये ऑर्डर लेने बड़ी देर में आए और अब ऑर्डर दे दिया तो ये कम से कम 15-20 मिनट लग गया, अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं आया। देखते हैं कितनी देर में आता है। मैंने बोला धीरे धीरे भूख लगती है, देती है। पी कॉफ़ी भी ऑटो में लगी हुई है, आजकल लोग खाते कम हैं ऑटो ज़्यादा लेते हैं। और ये मेरे नूडल्स पिज़्ज़ा पी ले, अच्छी है। तो मुझे अपने हाथ की कॉफ़ी के अलावा कोई कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। पीती है रेस्टोरेंट वो लिया। क्या कर दिया? मेरा पिज़्ज़ा आ गया, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, मज़ा आ गया, ठंड हो रही है। दीक्षा जा रही है घर अपने, मैं भी जाऊँ घर अपने, टाइम काफ़ी हो गया है तो हम चलते हैं। बाय दीक्षा। बाय। तो मैं भी जाऊँ, मेरी स्कूटी है खड़ी पीछे। आज बच्चा ने कितनी बड़ी लाइट लगा ली रूम में, इतनी बड़ी लगाने की क्या जरूरत थी, तो ये लगा ली। ये वो लाइट है जो मम्मी मुझसे छुपा छुपा के रखती हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइटिंग का शौक़ है, पर हमारा रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें देखो पूरी गंदगी दिख रही है रूम की, एक एक चीज़ चमक रही है। क्या चलिए फ्रेंड्स बाय फिर, और मिलते हैं फिर कल वही नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच जिसने मेरे ब्लॉग पूरा देखा हो, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो करें ही करें। थैंक यू सो मच, बाय।